पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ NICU के बारे में। जी हाँ, आपने सुना होगा कि बच्चे के जन्म के कुछ टाइम बाद ही या जन्म के बाद ही तुरंत उसको NICU सजेस्ट कर देते हैं डॉक्टर कि बच्चे को NICU में रखें। आम भाषा में हम उसको बोलते हैं कि बच्चे को इंक्यूबेटर्स में रखा गया या मशीन में रखा गया, इस तरह की कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं। तो हम बात करेंगे कि बच्चे को NICU में क्यों रखा जाता है, क्यों डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अगर इन कंडीशन हमें ऐसा बोला जा रहा है हमारा बच्चा हुआ है या फिर हमारी डिलीवरी होने वाली है, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इनसिक्योर फील करने लगते हैं कि हमारे बच्चे को NICU में क्यों रखा गया है। देखिए, कई सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से बच्चे जो जन्म से समय से पहले जिनका जन्म हो जाता है, लाइक जो 34 वीक होता है, उस वीक से पहले यानी 34वें हफ्ते से पहले अगर आपके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, वो कंप्लीट वीक नहीं ले पाता, इस केस में जो डॉक्टर होते हैं आपको NICU सजेस्ट करेंगे कि बच्चे को NICU रखिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि डॉक्टर ने हमारे बच्चे को NICU में रखने के लिए बोला है, क्या हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कुछ आपको इस तरीके से आपके सराउंडिंग में पीपल आपको सजेस्ट करेंगे कि नहीं, बच्चे को NICU में रखने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पर ही देखभाल कर लेंगे। तो प्लीज़ आप इस तरीके की बातों में कभी मत आइएगा। अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, मीन्स कुछ ना कुछ बच्चे के इंटरनल डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है या हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को है जिसके वजह से डॉक्टर आपको NICU सजेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। इन केस आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि बच्चे को आप NICU में रखें। अब मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किस किस कंडीशन में कब कब बच्चे को NICU में रखा जाता है। तो पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, आपके बच्चे का जन्म प्रीमेच्योर हुआ है, यानी समय से पहले ही आपके बच्चे का जन्म हो गया है, जितने वीक उसे चाहिए थे माँ के गर्भ में उतने वो नहीं ले पाया। कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे को NICU में रखा जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है, उसका ठीक से विकास नहीं हो पाता, तो डॉक्टर उसमें NICU में सजेस्ट करती है। अब क्योंकि जब बच्चे के साथ क्या होता है कि बच्चे का समय से पहले जन्म हुआ है, तो कुछ ना कुछ उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाते हैं, ठीक से परिपक्व नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में कुछ टाइम के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या महीने भर के लिए बच्चे को वहाँ रखा जाता है और धीरे धीरे प्रोसेस कराई जाती है जिससे कि जो उसके इंटरनल ऑर्गन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे क्योर किया जाता है, फिर बच्चा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, फिर उसको डिस्चार्ज कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, कभी कभी क्या होता है, बच्चों को सांस लेने से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे का समय से पहले जन्म हो गया तो उसे सांस लेने में दिक्कत आती है। जैसे ही वो बाहर माँ के गर्भ से आता है तो वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता है, हो सकता है उसके जो फेफड़े हैं वो ठीक से विकसित नहीं हुए या बहुत ज़्यादा उसे प्रेशर लगाना पड़ रहा है सांस लेने में, तो ये आपके बच्चे के जान के लिए खतरा हो सकता है। तब ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को आप NICU में एडमिट करवा दीजिए। साथ ही साथ ऐसा भी होता है, कभी कभी बच्चे को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है या उसका जो पेट है वो डाइजेशन से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे सिचुएशन में भी डॉक्टर क्या करते हैं, बच्चे को NICU में रखने की सलाह देते हैं। तो आपको डॉक्टर की बात को मानना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, बहुत ज़्यादा पैनिक आपको नहीं होना है, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब बच्चे के वो सारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, बच्चा प्रॉपर सांस ले पाता है, तो ऐसी उस प्रोसेस के बाद फिर डॉक्टर आपके बच्चे को डिस्चार्ज कर देते हैं। और किस केस में बच्चे को मीन्स NICU में रखा जाता है, सपोज़ बच्चे को जन्म से ही किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है या एलर्जी है, तो बच्चे को बच्चा इतना सेंसिटिव होता है कि बिना ग्लव्स के अगर उसको टच करेंगे तो वो इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, एलर्जी और ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे के लिए क्रिएट कर सकती है, तो ऐसे में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं NICU में रखने के लिए। बस माँ को ही फीडिंग करने की परमिशन दी जाती है, वो भी कुछ टाइम के लिए। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तब बच्चा NICU में रखा जाता है, जब बच्चे को किसी प्रकार से इन्फेक्शन या फिर एलर्जी से कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है,
इसके साथ और क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चे को NICU में रखा जाता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे को बहुत सीवियर जॉन्डिस है, ठीक है। कुछ जॉन्डिस ऐसा होता है जो नॉर्मल दवाई से, डॉक्टर की मेडिसिन से, या फिर धूप में बच्चे को रखने से नॉर्मल ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर जॉन्डिस होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को NICU में कुछ दिन के लिए रखा जाए, या एक वीक के लिए या दो वीक के लिए, जितना कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो उस कंडीशन में भी बच्चे को NICU में रखा जाता है, ठीक है, बच्चे के जॉन्डिस को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो एक अलग ही गर्माहट उसको मिलती रहती है और वहाँ पर वो सिक्योर होता है, आरामदायक होता है। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है, मीन्स उसकी समय से पहले डिलीवरी हो गई, तो बाहरी जो एनवायरनमेंट में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर पाता है, और बच्चे के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने बच्चे को घर पर भी ले गए, आप सोच कर कि हम अपने बच्चे का घर पर ख्याल रख लेंगे, तो नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उस टाइम आपके बच्चे की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तो बच्चे को एक जो माँ के गर्भ का टेम्परेचर होता है, वही टेम्परेचर, वैसा ही टेम्परेचर बच्चे को NICU में दिया जाता है, एक अच्छी गर्माहट, जिसमें कि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी डेवलप कर, उसका जो शरीर शारीरिक विकास है वो जल्दी जल्दी उसमें होता है। तो बच्चे को गर्माहट देने के लिए भी बच्चे को NICU में रखा जाता है। इसके साथ ही कभी कभी बच्चे की जो डिलीवरी हुई होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के समय आ जाते हैं, ठीक है, माँ और बच्चे के लिए। तो कभी कभी बच्चे को माँ के साथ मीन्स उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कमियाँ होती हैं, वीक पॉइंट होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर डिलीवरी के टाइम में अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो बच्चे को NICU में रखा जाता है, ताकि कुछ हफ्ते बच्चा NICU में रहेगा तो वो अच्छी तरह से रिकवर हो जाएगा, फुली हेल्दी होकर फिर उसको डिस्चार्ज कर देती हैं। इसके साथ ही अगर बच्चे को डिलीवरी के बाद किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, या फिर किसी भी प्रकार का कुछ भी छोटी मोटे कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है कि बच्चे की सर्जरी करनी होती है उस टाइम में, तो किसी भी टाइप की अगर बच्चे की सर्जरी की गई है आफ्टर बर्थ, तब ऐसी कंडीशन में भी आपके बच्चे को NICU में रखा जा सकता है। तो माय डियर पेरेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से डॉक्टर बच्चे को NICU में रखने के लिए सजेशन करते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि NICU में क्यों रखा जाता है। तो मेरा मतलब यही था कि मैं आपको इसको अच्छे से समझा पाऊँ, कि आप इसको बहुत ज़्यादा ईजी ना लें। अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो आपको किसी और की बात नहीं सुननी। अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है कि नहीं ये तो सिर्फ मनी मेकिंग है और प्लीज़ इस तरीके की चीज़ है, बच्चे को ज़रूरत नहीं है, हम घर पर ही ठीक कर लेंगे, नहीं। देखिए, अगर बच्चे का समय से पहले जन्म हुआ है, या बच्चा ओके है, उसने फुल टाइम लिया है, लेकिन आफ्टर बर्थ उसे किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तब भी डॉक्टर आपको NICU में बच्चे को रखने के लिए सजेशन दे सकती हैं, तो आपको फुली उनकी बात को मानना है, बच्चे को NICU में कुछ दिन रखे रहने दें, ताकि आपका बच्चा लाइफ टाइम के लिए हेल्दी बना रहे। क्योंकि उस टाइम अगर उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो जल्दी हेल्थ उसकी पकड़ लेगी, अच्छे से हेल्थ वो उसकी रिकवर हो जाएगी, नहीं तो वो बीमार ही बना रहेगा, फिर आप लाइफ टाइम बच्चे को लेकर भागते रहोगे डॉक्टर के पास, ठीक है। तो इसको लेकर आपको घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, बहुत ज़्यादा आपको डरना नहीं है कि डॉक्टर ने क्यों बोला है, क्या करना चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो माय डियर पेरेंट्स, वीडियो को यहीं पर क्लोज करने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरा दूसरा चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो देखनी है वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं और आपको वहाँ पर गाइडलाइन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।